नमस्कार, मैं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। महंत नरेंद्र गिरी को बागम्बरी मठ में दी गई भू समाधि, अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को श्री मठ बागम्बरी गद्दी परिसर में भू समाधि दी गई। इससे पूर्व स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर अल्लाखपुर स्थित श्री मठ बागम्बरी गद्दी ले जाया गया। वहाँ से संगम तट पर ले जाया गया। महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और संत महात्मा मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें शक है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। वहीं यूपी पुलिस ने हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन आदि कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश बुद्धि और पराक्रम में कभी किसी से कम नहीं था। पन्ना धाई ने राजकुमार की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। आप लोग उस महान परंपरा के वंशज हैं, इसके लिए पूरे देश को गौरवान्वित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद कीजिए 1857 की क्रांति को, जब मेरठ में वीर धन सिंह कोतवाल ने शहादत दी। उन्होंने अपने रक्त से देश की आज़ादी के लिए इतिहास लिखा था। ये दादरी है, यहाँ के महान क्रांतिकारी राव उमराव सिंह और रोशन सिंह ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इन लोगों ने किसी व्यक्ति, समाज या क्षेत्र नहीं, बल्कि देश के लिए प्राण दिए थे। दिल्ली एनसीआर में मानसून का नया दौर, टूट सकता है 121 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर की बारिश पिछले 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब तक सितंबर में 404 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 121 साल में सबसे अधिक 417.3 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। बंगाल की खाड़ी में मौसमी घटनाओं के दोबारा विकसित होने के कारण शुरू हुआ बारिश का दौर 29 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में अभी तक पूरे मानसून में 1170 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 1964 में 1190.9 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बना था। मौसम विभाग ने कल के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करना चाहता है तालिबान, महासचिव को लिखा पत्र। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करने के लिए महासचिव को पत्र लिखा है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पत्र में कहा है कि सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र के लिए राजदूत नामित किया गया है। इसीलिए महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में सुहेल शाहीन को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने तालिबान का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में जगह के लिए 9 सदस्यीय क्रेडेंशियल कमेटी से अनुरोध किया गया है, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। जी एंटरटेनमेंट का सोनी पिक्चर के साथ विलय, 11.5 हजार करोड़ का होगा निवेश। इंटरटेनमेंट सेक्टर में एक बड़ी मर्जर डील हुई है। जी इंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर्स इंडिया के साथ मर्जर डील साइन की है। इससे जी इंटरटेनमेंट का सोनी पिक्चर में विलय होगा। डील के अनुसार सोनी पिक्चर विलय होने वाली कंपनी में करीब 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सोनी इंडिया के प्रमोटर मर्जर के लिए हुए करार के तहत कंपनी में ग्रोथ कैपिटल डालेंगे। मर्जर के बाद बनी कंपनी में जी इंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 47.07% होगी, जबकि सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी 52.93% रहेगी। बुमराह और स्टेन हुए कार्तिक त्यागी के मुरीद, बताया असाधारण गेंदबाज। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने
युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी की जमकर तारीफ की है। बुमराह ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज कार्तिक के प्रदर्शन को असाधारण बताया तो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कार्तिक के ओवर को बेस्ट बताया है। कार्तिक त्यागी ने आखिरी ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया। पंजाब किंग्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता थी और उसके पास 8 विकेट शेष थे, लेकिन कार्तिक ने आखिरी ओवर में निकोलस पूरन और दीपक हुड्डा को आउट कर दिया और महज 1 रन खर्च किया। गोवा में हुए कार हादसे में मराठी एक्ट्रेस ईश्वरी देशपांडे का निधन। मराठी एक्ट्रेस ईश्वरी देशपांडे नहीं रही, महज 25 साल की उम्र में गोवा में हुए कार हादसे में उनका निधन हो गया। कार में उनके साथ दोस्त शुभम दोगड़े भी थे, उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ईश्वरी की कार गोवा के अरपोरा इलाके में गहरे पानी में जा गिरी और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कार की रफ्तार तेज थी जिससे बैलेंस बिगड़ गया और कार गहरे पानी में जा गिरी। पुणे की रहने वाली ईश्वरी देशपांडे अपने दोस्त शुभम के साथ गोवा में छुट्टियां मनाने गई थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।